इस बार ये क्या कह रहा है, कह रहा है कि इंसर्ट सिक्स रेशनल नंबर बिटवीन 1/2 एंड 1/3, 1/2 एंड 1/3। अगेन फंडा क्या कहता है, फंडा कहता है कि भैया आप एलसीएम निकाल लीजिए 2 और 3 का, दैट इज इक्वल टू व्हाट, 6 मल्टीप्लाइड बाई 3 इट बिकम्स 3/6, मल्टीप्लाई बाई 2 इट बिकम्स 2/6। नाउ विच इज असेंडिंग, ये विच इज वी कैन से स्मॉलर देन, तो 2/6 इज स्मॉलर देन, तो उसको अपने यहां लिख लेते हैं और 3/6 को यहां लिख लेते हैं, नॉट एन इश्यू। हाउ मेनी नंबर्स वी हैव टू पुट, 6। और यहां पर आप कहेंगे सर 2 और 3 के बीच में तो 6 नंबर नहीं आते, आते हैं 100% आते हैं, क्योंकि मैंने क्या कहा है कि आपको रेशनल नंबर पुट करने हैं। और फिर मैंने आपको एक बात बताई थी कि रेशनल नंबर तो वो भी होते हैं जो कि डेसिमल में हो, नहीं बताया था, तो बस आपको वही फंडा यूज करना है, आपको थोड़ा सा दिमाग यूज करना है कि आपको 6 लिखना है, 6 टाइम्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, और 2 और 3 के बीच में डेसिमल यूज कर लो, क्या दिक्कत है, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, सही है। अब कुछ नहीं, हो गया आपका काम, जैसे आपने काम किया आपका काम हो गया, चाहो तो अब आप क्या कर सकते हो, ये सारे पॉइंट्स को हटा दीजिए, तो पॉइंट हटाया 21/60, दिस 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 दिस, इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में आप यहाँ लिख सकते हो, तो ये आपके नंबर आ गए। कुछ बच्चे कहेंगे नहीं सर हमारे बुक के आंसर डिफरेंट आ रहे हैं, बेटा आने दो, मैंने कहा 2 और 5 के बीच में कोई एक नंबर बताओ, कोई बच्चा 3 बताएगा, कोई 4 बताएगा, कोई 4.1 बताएगा, कोई 4.2 बताएगा, आप सब सही हैं, हर किसी के माइंड से जो भी निकलेगा आप सब अपने आंसर सही देंगे, कोई भी इसको गलत कट नहीं कर सकता, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ बच्चे कहेंगे सर हमें एक और मैथड आता है, हाँ मुझे भी आता है, अगर मुझे इनके बीच में 6 नंबर इंसर्ट करने हैं तो सेकेंड प्रोसेस इज दैट हम क्या कर सकते हैं, जरा ध्यान से देखेंगे, 2/6 और 3/6 के बीच में मुझे 6 नंबर इंसर्ट करने हैं तो आई विल मल्टीप्लाई बाय 7, एक थोड़ा ज्यादा लेके चलते हैं, है ना, इट बिकम्स व्हाट, 14/42, 21/42, अब सबके नीचे 42 लिख लो, वन टू थ्री फोर स्पेस कम है, यहाँ लिख लेते हैं और बस काउंटिंग, 15, 16, 17, 18, 19, 20, ये भी प्रोसेस आप यूज कर सकते हैं। आपको वेराइटीज ऑफ वर्क आना चाहिए कि आप कोई से भी मेथड को यूज कर सकें, ये भी 100% सही है, ये भी 100% सही है, और आप चाहो तो 1/3 और सॉरी 2/6 और 3/6 को डेसिमल में लिख लो और उसके बाद इनके डेसिमल्स के बीच की वैल्यूज को कर लो, वो भी सही है, तो सारे मेथड सही होते हैं, आपको कौन सा यूज करना है, इट्स डिपेंड ऑन ओनली यू।